ओके, तो हमने लास्ट कल F3 तक थोड़ा सीखा था, तो अभी आपको करना ही है कि F3 का तो मैंने आपको एक्टिविटी दिया था होमवर्क में, तो आपको कम से कम 9 सेंटेंस बनाने थे, है ना? लेकिन किसका यूज़ करके? द सेम एज का, लाइक का, ऑलमोस्ट द सेम एज, अनलाइक, द सेम, डॉट 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 एज, डिफर्स फ्रॉम, सिमिलर टू, अलाइक, डिफरेंट फ्रॉम, है ना? तो ये सब सेंटेंस का हमें यूज़ करना है। तो ये सब वर्ड कहाँ पे यूज़ होते हैं, किस तरह से यूज़ होते हैं, है ना? तो यहाँ पे जो लास्ट में डिफर्स फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, है ना, वो किसके लिए? जब समान नहीं है तब, है ना? बाकी सब में क्या है? हाँ, अनलाइक में भी समान नहीं है, बाकी सब में क्या है कि जब दो चीज़ या दो व्यक्ति, है ना, समान, आपको समान दिखाई देते हैं तब। जैसे कि यहाँ पे एक एग्जांपल दिया था, रीना हैज़ द सेम एटीट्यूड एज हर ब्रदर हैज़, है ना? रीना का सेम एटीट्यूड है जैसा उसके भाई का है। तो यहाँ पे कौन से वर्ड का यूज़ किया है? एकदम बीच वाला, द सेम डॉट 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 एज, द सेम डॉट 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 एज, एज, है ना? अभी यहाँ पे मैं थोड़ा चेंज, यहाँ पे रीना हैज़ की जगह पे चेंज कर दूँ, एटीट्यूड की जगह चेंज कर दूँ, और हर ब्रदर हैज़ की जगह चेंज कर दूँ, तो यहाँ पे दूसरे कितने सारे सेंटेंस बन सकते हैं? रीना क्या है? करता है, और उसके बाद क्रियापद हैज़ है, वो लगा देता हूँ, है ना? एटीट्यूड की जगह कोई कोई भी एडवर्ब या एडजेक्टिव, यहाँ पे एडजेक्टिव है तो एडजेक्टिव लगा देता हूँ, और हर ब्रदर हैज़, है ना, वहाँ पे वो लगा देता हूँ। तो समझो कि सम यहाँ पे ले लेते हैं, मनीषा हैज़ द सेम वॉइस एज हर सिस्टर हैज़, दूसरा सेंटेंस बन गया। विवेक ओबेरॉय हैज़ द सेम बॉडी, सेम फिटनेस एज सलमान खान हैज़, तीसरा सेंटेंस बन गया। धोनी हैज द सेम स्किल एज, सेम बैटिंग स्किल एज सचिन हैज, तीसरा सेंटेंस बन गया। बन गया ना? तो इस प्रकार से हमें सेंटेंस बहुत सारे बना सकते हैं। बस ये जो मेन वर्ड है द सेम एज, यहाँ पे बाकी की जगह पे सर्कल कर दो, और बाकी की जगह पे सर्कल कर दिया तो वहाँ पे आप दूसरा चेंज कर दो, तो कितने सारे सेंटेंस बनाने आ जाएंगे। और जितने सारे सेंटेंस आप बनाओगे, जितने मैक्सिमम, जितनी प्रैक्टिस आप ज़्यादा करोगे, उतना आप परफेक्ट होते जाओगे, उतनी आपकी मिस्टेक्स होने की संभावना, प्रोबेबिलिटी कम होती जाएगी। आर यू क्लियर फॉर दैट? है ना? अभी ये F4 में दिया है, यहाँ पे दो पिक्चर दिया है, दो पिक्चर में जो समान चीज़ है वो भी लिखनी है, और जो समान चीज़ नहीं है वो भी लिखनी है ना? तो यहाँ पे मैं बट के साथ मिलके दो सेंटेंस दिए हैं, एक तो अलाइक का यूज़ करके दिया है, अलाइक का यूज़ करके दिया है, और दूसरा हमको दिया है डिफर्स, डिफर्स मतलब अलग अलग, डिफर, ठीक है? जैसे कि यहाँ पे लिखा है द बोथ द हाउसेस आर ऑलमोस्ट अलाइक, ऑलमोस्ट अलाइक, ऑलमोस्ट का तो ऐसे ही यहाँ पे भी यूज़ किया है, लेकिन ये ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर, ऑलमोस्ट का अर्थ होता है ज़्यादातर, वो किसी के भी आगे लिख सकते हैं, है ना? ऑलमोस्ट यहाँ पे भी लिख सकते हैं, ऑलमोस्ट सिमिलर टू मतलब ज़्यादातर सिमिलर है, ऑलमोस्ट अलाइक मतलब ज़्यादातर सेम है, ऑलमोस्ट सेम मतलब वो भी सेम हो गया। तो बोथ हाउसेस आर ऑलमोस्ट अलाइक, ऑलमोस्ट सेम ऐसे भी लिख सकते हैं, है ना? लेकिन ऑलमोस्ट सेम के बाद एज लिखना पड़ेगा, जो कि यहाँ पे ज़रूरत नहीं है। किसी किसके साथ कंपेयर करना है, वो दूसरी चीज़ जो है वो हमारे लेफ्ट साइड में ही आ गई, दोनों ही चीज़ें साथ, दोनों ही चीज़ें मतलब सेम है, तो वहाँ पे हम टू वाला या फिर एज वाला यूज़ नहीं कर सकते जब दोनों ही चीज़ें सेम है तो, है ना? क्योंकि कंपेयर करने वाली बात जो है उस वर्ड के पीछे नहीं है, दोनों ही वर्ड आगे आ गए, बोथ हाउसेज आर ऑलमोस्ट अलाइक, है ना? चलो यहाँ पे ऐसा बोले कि बोथ हाउसेज की जगह बोले हाउस नंबर 1, हाउस नंबर 1 इज
अभी मेरे को ऑलमोस्ट यूज़ करना है, उसके बाद ऑलमोस्ट द सेम एज, द सेम एज हाउस नंबर टू। तो क्या हुआ यहाँ पे, क्या हुआ कि दोनों ही हाउसेज हमारा जो वर्ड है द सेम एज, उसके एक लेफ्ट साइड में है और दूसरा राइट साइड में है, जबकि अलाइक के क्या है, अलाइक के लेफ्ट साइड में ही दोनों हाउस है, बोथ के अंदर दोनों ही हाउसेस आ गए। क्लियर हुआ इतना? चलो यहाँ पे देखते, सिमिलर टू में भी ऐसा करते हैं। हाउस नंबर वन इज ऑलमोस्ट का यूज करो, नहीं करो चलेगा, सिमिलर टू हाउस नंबर टू। तो सिमिलर टू में भी क्या है कि दोनों साइड में एक लेफ्ट साइड में होना चाहिए, एक राइट साइड में होना चाहिए, जबकि अलाइक में क्या होता है, दोनों ही लेफ्ट साइड में होते हैं, है ना। इसी तरह डिफर्स फ्रॉम जो पीछे जैसे जैसे वर्ड दिया है ना ऐसा, है ना। तो वहाँ पे क्या होता है, जहाँ पे द सेम एज, वहाँ पे क्या होता है कि आपको एक लेफ्ट साइड में होना चाहिए, एक राइट साइड में होना चाहिए, है ना। लेकिन खाली डिफर का मतलब क्या हो गया कि एक ही साइड में दोनों होना चाहिए, है ना। तो यहाँ पे क्या लिखा है, बोथ द हाउसेज आर ऑलमोस्ट अलाइक बट द ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट, दोनों हाउसेस का जो ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट है वो डिफर है, डिफर मतलब अलग है, है ना। लेकिन अगर इस डिफर को मुझे ये डिफर फ्रॉम वाला लिखना है तो कैसे लिख सकता हूँ, द ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट ऑफ हाउस नंबर वन इज डिफर्स फ्रॉम द ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट ऑफ हाउस नंबर टू। अब वापस द ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट लिखने की जरूरत नहीं, उसकी जगह पे क्या लिख देने का, दैट ऑफ, क्या लिख देने का, दैट ऑफ। क्लियर हुआ, कलम ने किया था ना दैट ऑफ का यूज, है ना। तो अगर मुझे ये डिफर की जगह इस सेंटेंस में ये डिफर फ्रॉम वाला यूज करना है तो मैं कैसे कर सकता हूं, द ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट Arrangements is the drawing room arrangement of house number one is differs from वापस लिखना पड़ेगा the drawing room arrangement, ऐसा नहीं लिखूंगा मैं क्या लिख दूंगा, that of, क्या लिख दूंगा, दैट ऑफ हाउस नंबर टू, हो गया ना पूरा, दैट ऑफ किसकी जगह पे लिखा, द ड्रॉइंग रूम अरेंजमेंट ऑफ की जगह मैंने दैट ऑफ लिख दिया, है ना। इसलिए दूसरी बार मेरे को नहीं लिखना पड़ा, हाँ है हाउस नंबर दो की बात, मतलब ड्राइंग रूम अरेंजमेंट, हाउस नंबर वन का जो ड्राइंग रूम अरेंजमेंट है वो हाउस नंबर दो के ड्राइंग रूम अरेंजमेंट से अलग है, डिफरेंट फ्रॉम भी लिख सकते हैं, डिफर्स फ्रॉम की जगह पे। आर यू क्लियर फॉर देट, है ना। तो ये सब वर्ड्स हमारे पास है, तो हम क्या करेंगे, अभी हमको क्वेश्चन नंबर F5 में क्या दिया है, मेक मीनिंगफुल सेंटेंसेस जॉइनिंग ए विथ बी एंड सी, ए बी और सी तीनों को जोड़ना है, है ना, ए बी और सी तीनों को जोड़ना है और आपको ऊपर में से कोई भी सेंटेंस बनाने हैं। और ऐसा जरूरी नहीं कि यहाँ पे 1 2 3 4 5 दिया है तो 1 2 3 4 5 ही यूज करें, मतलब 5 सेंटेंस ही बनाए, हम 15 सेंटेंस भी बना सकते हैं, ओके नहीं 15 नहीं बना, हाँ बना सकते, ओके। यहाँ पे पहला बन गया, माय हाउस इज ऑलमोस्ट द सेम एज फ्रॉम द स्कूल एज दैट ऑफ योर हाउस, है ना। My house is almost the same as from the school as that of your house, मतलब मेरा घर तुम्हारे स्कूल से जितना तुम्हारा घर दूर है उतना ही दूर है, ठीक है ना। अच्छा, लेकिन उसकी जगह पे लास्ट वाला यूज होगा क्योंकि अंतर, डिफरेंस की, डिस्टेंस वाला वर्ड यहाँ पे नहीं हुआ, मतलब यहाँ पे 5 सेंटेंस ही बनेंगे, ज़्यादा नहीं बन पाएंगे।
तो यहाँ क्योंकि उन्होंने क्या किया, उसको खाली अरेंजमेंट उसको बदल दिया है, माई हाउस एट द सेम डिस्टेंस, वो वाला सही रहेगा क्योंकि फ्रॉम द स्कूल है ना, तो वो डिस्टेंस वाला वर्ड सही रहेगा, माई हाउस एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल एज दैट ऑफ योर हाउस। अभी यहाँ पे दैट मतलब क्या, दैट ऑफ योर मतलब हाउस है ना, माई हाउस इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल एज हाउस ऑफ योर, सॉरी क्या लिखा है, फ्रॉम द स्कूल एज, अच्छा यहाँ पे डिस्टेंस की बात करिए, माई हाउस एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल एज सेम डिस्टेंस ऑफ योर हाउस, तो मेरा घर जितना स्कूल से दूर है उतना ही तुम्हारे घर से दूर है, ऐसा लिखा है बराबर, ऐसा नहीं लिखा मेरे घर से तुम्हारा स्कूल जितना दूर उतना ही तुम्हारे घर से स्कूल दूर, ऐसा नहीं है, मेरा घर तुम्हारे स्कूल से, मेरा घर स्कूल से जितना दूर है उतना ही मेरा घर तुम्हारे घर से दूर है, तो माई हाउस इज एट द सेम डिस्टेंस फ्रॉम द स्कूल एज दैट ऑफ योर हाउस, है ना, ओके। तो यहाँ पे दैट मतलब वही है स्कूल वाला, मैंने जैसे बोला जितना स्कूल से मेरा घर है उतना तुम्हारे घर से मेरा घर दूर है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, अनलाइक अंकलेश्वर, अंकलेश्वर की तरह नहीं, अंकलेश्वर अनलाइक अंकलेश्वर मतलब अंकलेश्वर की तरह नहीं, है ना, तो दूसरा कोई सिटी का नाम होगा सामने उसके कंपेयर करने के लिए, तो दिख रहा है यहाँ पे बी में आनंद, आनंद मतलब आनंद नहीं, हैप्पीनेस नहीं, आनंद मतलब आनंद, आनंद नाम का सिटी है ना जो दूध की मतलब अमूल डेयरी है जहाँ पे, हाँ, अनलाइक अंकलेश्वर आनंद इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, अंकलेश्वर जो है ना वो इंडस्ट्रियल सिटी नहीं है, जबकि आनंद जो है वो इंडस्ट्रियल सिटी है, इसलिए अनलाइक अंकलेश्वर आनंद इज नॉट एन इंडस्ट्रियल सिटी, क्लियर। माई ओपिनियन इन दिस, मेरा ओपिनियन इसके बारे में ऐसा है, तो सी में हमको मिल रहा है टू योर ओपिनियन, सी का तो मिल गया, अभी बी का ढूंढे, माई ओपिनियन इन दिस मैटर इज सिमिलर टू योर ओपिनियन, है ना, मेरा ओपिनियन इस बारे में, इस मैटर में मतलब बारे में एकदम सिमिलर है कि जो तुम्हारा ओपिनियन है, मतलब तुम्हारा ओपिनियन और मेरा ओपिनियन दोनों ही सिमिलर है, तो सिमिलर शब्द का उपयोग भी दो चीज को समान बताने के लिए हो सकता है। अनलाइक द लेजी मिस्टर शर्मा की तरह लेजी नहीं, ऐसा मिस्टर रावल इज वेरी हार्ड वर्किंग, क्लियर। द स्वीटनेस ऑफ वीणाज वॉइस, वीणा मतलब कोई लड़की की नाम नहीं, लड़की का ही नाम है, मतलब वीणा मतलब वो इंस्ट्रूमेंट का भी वीणा बोलते हैं ना, तो यहाँ पे वीणा लड़की का नाम लिया है। द स्वीटनेस ऑफ वीणाज वॉइस इज ऑलमोस्ट द सेम एज द वॉइस ऑफ लता मंगेशकर, है ना, तो वीणा की आवाज़ जो है वो लता मंगेशकर की आवाज़ से बिल्कुल ही ऑलमोस्ट द सेम, मतलब ज़्यादातर, ऑलमोस्ट मतलब ज़्यादातर, मोटा भागे गुजराती में मोटा भागे ऑलमोस्ट, है ना, तो आपको कंपेयर करते रहने का लोगों को वस्तुओं को, चलो इंसर्ट एज एट द प्रॉपर प्लेस इन दिस सेंटेंस, अभी देखो एज का उपयोग करना है, तो यहाँ पे उन्होंने क्या किया, पूरा सेंटेंस तो लिखा है लेकिन एज लिखना भूल गए, तो कैसे करेंगे इसको, माई फादर हैज़ द सेम कार, कहाँ पे आएगा एज, कार के बाद, वेरी गुड, माई मदर हैज़ द सेम कार एज माई फादर हैज़, वेरी नाइस, ओके। नेक्स्ट, आई थिंक दैट योर सिस्टर इज द सेम एज As that of Monica, यहाँ पे is that of Monica, यहाँ पे that मतलब इसके बारे में कर रहे हैं,
एज के बारे में, दैट मतलब एज के बारे में, आई थिंक दैट योर सिस्टर इज द सेम एज एज दैट ऑफ मोनिका, मतलब मोनिका की जो एज है और सिस्टर की जो एज है, योर सिस्टर की, दोनों ही एज है ना, एज दूसरी बार ना लिखना पड़े, इसलिए दैट यूज कर दिया. दिस इज द सेम बाइक यू बॉट फॉर मी, है अच्छा, दिस इज द सेम बाइक एज यू बॉट फॉर, यू बॉट मी, क्लियर. दिस इज द सेम बाइक एज यू बॉट मी, जो आपने मेरे, मतलब मेरे को खरीद की दी थी, ये वही बाइक है. देखो सेम मतलब वही होता है, सेम मतलब उसके जैसा नहीं होता. हाँ आपने मुझे खरीद के दी, यू बॉट मी, है ना, यहाँ पे वो फॉर नहीं आएगा, वो यहाँ पे चल, मतलब लास्ट में. दिस इज द सेम बाइक एज यू बॉट मी, मतलब जो बाइक आपने मेरे को खरीद की दी, ये वही बाइक है, उसके जैसी नहीं है, सिमिलर होता तो उसके जैसी, लेकिन सेम मतलब वही होना, ठीक है. जाहिद इज द सेम क्लेवर लिटल बॉय एज हिज फादर, उसके पिताजी जितने क्लेवर हैं उतना ही जाहिद क्लेवर है. दिस इज द सेम ड्रेस आई वॉन्टेड टू बाय, अच्छा दिस इज द सेम ड्रेस एज आई वॉन्टेड टू बाय लास्ट वीक, जो यहाँ पे एज मतलब जो, आई वॉन्टेड टू बाय लास्ट वीक, जो मैं लास्ट वीक खरीदना चाहता था, ये वही ड्रेस है. दिस इज द सेम कंप्यूटर एज दैट वंस, जो कंप्यूटर में देखा था, दैट वन दोनों का उपयोग वही होता है दूसरी बार यूज करने के लिए, है ना, दूसरी बार वाली चीज को जगह पे वहां पे प्रोनाउन आ जाता है. दैट वन मतलब वो वाला, दैट वन मतलब वो वाला, जो वो वाला है वो यही कंप्यूटर है. दिस इज द सेम कंप्यूटर दैट एज दैट वन, वो वाला है और ये कंप्यूटर है, दोनों सेम है, ये कंप्यूटर बिल्कुल वही वाला है, मतलब कल जो देख के गए थे वही वाला है, मतलब शायद उसने चेंज भी कर दिया हो, लेकिन कंपनी प्रोडक्ट वो सब वही है, ऐसा क्लियर, आइटम नंबर सब वही है. चलो नेक्स्ट, टॉक अबाउट द जनरल सिमिलरिटीज एंड डिफरेंसेस ऑफ थिंग्स विच कैन बी सीन इन योर क्लासरूम, मेक यूज ऑफ द एक्सप्रेशन द सेम एज, अलाइक, डिफर फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, ऑलमोस्ट द सेम एज, एक्सेट्रा. फॉर एग्जाम्पल, टू पेंस, दो पेन के बारे में बताया है, तो आपको क्या लिखना है, माई पेन इज डिफरेंट फ्रॉम अनिल्स, सॉरी आरिफ्स, माई पेन इज डिफरेंट फ्रॉम आरिफ्स, हो गया सेंटेंस, अगर दो पेन के बारे में बताया तो. थिंग्स के बारे में बताओ, यहाँ पे टू ब्लैक बोर्ड के बारे में बताए तो क्या बता सकते हो आप, डिफरेंट फ्रॉम का यूज़ करना है कि लाइक का यूज़ करना है, अलाइक का यूज़ करना है, एज का यूज़ करना है. अगर अलाइक का यूज़ करे तो दोनों ही वर्ड को आगे ले लेने का, डिफर्स का यूज़ करे तो दोनों ही वर्ड को आगे ले लेने का, लेकिन डिफरेंट फ्रॉम, डिफरेंट फ्रॉम, डिफर फ्रॉम, है ना, सेम एज, उन सब का यूज़ करेंगे तो एक चीज़ लेफ्ट साइड रहेगी, एक शब्द राइट साइड रहेगा, एक शब्द लेफ्ट साइड रहेगा, ठीक है. तो चलो एक दो ट्राई करो आप लोग, बाद में मुझे बताओ. देखो, द कलर ऑफ वॉल्स ऑफ माई हाउस, अभी मेरे घर की दीवार और प्रियंका घर की दीवार, उसकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं, है ना. अगर मेरे घर की दीवार मतलब वॉल्स ऑफ माय हाउस और प्रियंका के घर की दीवार की कंपैरिजन करते तो सिंपल इतना ही सेंटेंस आता, बहुत ही आसान हो जाता, वॉल्स ऑफ माय हाउस इज द सेम एज प्रियंका वॉल दैट ऑफ द प्रियंका हाउस. चला सॉरी, दीवार की भी बात नहीं कर रहे, मतलब हाउस की बात करते तो बहुत आसान हो जाता, माय हाउस इज द सेम, है ना, माय हाउस इज द सेम एज प्रियंका हाउस, है ना,
हम यहाँ पे तीन लेवल हो गए, देखो यहाँ पे ध्यान दीजिए, यहाँ पे तीन लेवल हो गए। पहली बात तो मेरा घर और प्रियंका के घर, उसकी कंपैरिजन नहीं कर रहे हैं। अगर उसकी कंपैरिजन करते तो सिंपल हो जाता, माय हाउस इज द सेम एज प्रियंकाज हाउस, है ना। हम उसके दीवारों की कंपेयर कर रहे हैं, है ना, और उसमें भी उसके कलर की कंपेयर कर रहे हैं, मतलब दीवार के कलर की कंपेयर कर रहे हैं। तो ये दूसरा लेवल हो गया दीवार, और उसके बाद तीसरा लेवल हो गया कलर, है ना। तो हम उसको साथ में ले लेते हैं। द कलर ऑफ वॉल्स ऑफ माई हाउस इज द सेम एज द कलर ऑफ वॉल्स ऑफ प्रियंकाज हाउस, है ना। तो यहाँ पे द कलर ऑफ वॉल्स की जगह हमने क्यों यूज किया, दैट का यूज, क्योंकि डबल डबल क्यों लिखे हैं, डबल डबल लिखने से क्या फायदा, क्लियर हुआ। इसी तरह द डेस्क ऑफ माई क्लासरूम आर डिफर्स फ्रॉम डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर वन, मतलब यहाँ पे दैट किसके लिए यूज किया, डेस्क के लिए। अगर खाली क्लासरूम की कंपेरिजन करनी होती, है ना, तो सिंपल सा हो जाता कि माई क्लासरूम इज डिफर्स फ्रॉम द अदर वन, है ना। लेकिन ऐसा नहीं है, हमें क्लासरूम की नहीं, उसकी भी डेस्क की बात कर रहे हैं ना, इसलिए आगे द डेस्क ऑफ माई क्लासरूम आर डिफरेंट फ्रॉम, अभी वापस दैट यूज किया, दैट ऑफ अदर वन। आर यू क्लियर? चलो नेक्स्ट किसकी बारी है, ऑल डोर्स ऑफ माई स्कूल आर अलाइक, है ना। यहाँ पे स्कूल जो है वो एक वचन है, फिर भी यहाँ पे आर क्यों यूज किया, पहला सवाल तो मेरा ये है, पहला सवाल मेरा ये है, डोर्स के लिए है ना। हाँ वेरी गुड, ये आर किसके लिए यूज किया है, डोर्स के लिए यूज हुआ है। जब भी आपका ऐसा ऑफ वाला सेंटेंस का यूज होता है तब आपको ध्यान देना होता है कि वो ऑफ के आगे वाला जो वर्ड है उसके बारे में हम बात कर रहे हैं, नहीं कि पीछे वाले वर्ड के लिए। अगर डोर से वो बहुवचन है तो यहाँ पे क्रियापद बहुवचन वाला रहेगा, है ना। तो इसी तरह यहाँ पे ऊपर वाले सेंटेंस में देखो, द डेस्क ऑफ नाइन्थ क्लासरूम इज ऑलमोस्ट द सेम एज दैट ऑफ द टेंथ क्लासरूम, वहां पे क्या गलती है ऊपर वाले सेंटेंस में, मेरे क्लासरूम की डेस्क जो है वो सेम है, है ना, टेंथ के क्लासरूम की डेस्क से, है तो मेरे क्लासरूम की डेस्क एक है कि ज्यादा है, ज्यादा है, ज्यादा है, तो इसमें क्या गलती है, आर आएगा, आर आएगा, वेरी गुड। तो यहाँ पे आर आएगा, ओके, तो यहाँ पे आर लिख दो। चलो ऑल डोर्स ऑफ माई, ऊपर भी है गलत, ऊपर तो हाँ वहाँ पे भी गलत है, तो वहाँ पे भी गलत है, यहाँ पे भी आर लिख दो, ओके। चलो तो यहाँ पे ध्यान देना है, गलती ना हो। चलो तो अभी यहाँ पे क्या है कि अलाइक हमारा ग्रामेटिकल वर्ड जो जिसके फंक्शन हम अभी कर रहे हैं वही है, कंपेयर मतलब दो चीज़ों को समान बताने के लिए यूज होता है। लेकिन यहाँ पे पीछे कोई वर्ड नहीं दिया, टू या फ्रॉम, है ना, ऐसा कोई क्या बोलते हैं उसको प्रीपोजिशन नहीं दिया है, प्रीपोजिशन नहीं दिया है मतलब अलाइक खुद में ही पूरा वर्ड है, अलाइक खुद में ही पूरा वर्ड है। तो उसके लेफ्ट साइड में जिस जो भी चीज़ आती है प्रीपोजिशन, है ना, मैं सॉरी, इसके लेफ्ट साइड में जो भी चीज़ आती है उनके बारे में अलग खुद ही बता देता है, है ना, वही खुद पर पूरा वर्ड हो गया। जबकि यहाँ पे क्या था कि द सेम उसके बाद एज लगाना पड़ता था, है ना, यहाँ पे डिफर के बाद फ्रॉम लगाना पड़ता था, यहाँ पे सेम के बाद एज लगाना पड़ता था, लेकिन अलग के पीछे कुछ नहीं लगाया क्योंकि उसके पीछे कोई शब्द ही नहीं है, उसके पीछे दूसरा कोई शब्द होता तो उसकी जरूरत थी। यहाँ पे जिसकी भी कंपैरिजन कर रही है वो सब इसमें आ गया, किस में आ गया, ऑल में, है ना। देखो यहाँ पे ऑल के अंदर सब कुछ आ गया, है ना, ऑल डोर्स, ऑल डोर्स मतलब सभी दरवाजे एक दूसरे से समान है ऐसा हमें बताना है, है ना। स्कूल के सभी दरवाजे सभी आपस में समान है, मतलब आपस में समान है मतलब एक दूसरे में समान है, मतलब खाली अलाइक में पूरा वर्ड आ गया, खत्म बात। यहाँ पे ऑल अगर दो चीज़ की कंपैरिजन करेंगे तो ऑल की जगह क्या लिखेंगे, बोथ द लिखेंगे, हाँ, लेकिन यहाँ पे बहुत सारे दरवाजे सभी दरवाजे की बात करें तो ऑल द लिखेंगे, क्या लिखेंगे, द लिखना ज़रूरी है, ठीक है, ऑल द डोर्स ऑफ माई स्कूल, क्योंकि ऑफ वाला कोई भी सेंटेंस होता है उसमें ऑफ के बाद वाला जो वर्ड है
हाँ, उसकी उसके जरिए उसका एड्रेस बताया जाता है, उसके जरिए उसका एड्रेस बताया जाता है, उसके जरिए उसकी पहचान बताई जाती है। तो उसी सेंटेंस में उसकी पहचान आ जाती है, और जब पहचान हमें पता चल जाती है तो मतलब पहचान सामने वाले को हम बता रहे हैं साथ में, तो वहाँ पे द लगाना जरूरी है, क्योंकि द वहीं पे लगता है जहाँ पे सामने वाला उस चीज़ को जानता हो। लेकिन अगर नहीं भी जानता और हम उसी सेंटेंस में उसका उपयोग कर देंगे, उसको समझा देंगे, उसको उसकी जान पहचान करवा देंगे, ये मेरी स्कूल की डोर्स के बारे में बात हो रही है, ये 9th क्लासरूम के डेस्क के बारे में बात हो रही है, ये मेरे क्लासरूम के डेस्क के बारे में बात हो रही है, ये मेरे घर के दीवारों के कलर के बारे में बात हो रही है, तो वहाँ पे द लगता है, क्योंकि सामने क्या है, हमने उसी सेंटेंस में सामने वाले को उसकी पहचान दे दी, इसलिए द लगता है। ठीक है, चलो आगे बोलो। तो आई बॉट द सेम नोटबुक एज यू बॉट, अभी ये बॉट वापस यूज़ करें, उससे बेहतर है कि इस बॉट की जगह पे उसका भूतकाल का रूप रख देंगे, तो क्योंकि वो कॉमन निकल गया, बॉट कॉमन हो गया दोनों में ही है ना, तो वो सेम यूज़ किया है तो उसका अर्थ तो वही होता है। तो यहाँ पे क्यों यूज़ कर सकते हैं, एज यू डिड लास्ट टाइम, जो तुमने लास्ट टाइम किया था, मतलब किया था मतलब क्या किया था, जो मैंने अभी किया, अभी क्या किया मैंने, तो वो मैंने खरीदा, मैंने जो नोटबुक अभी खरीदा वो सेम है जो तुमने खरीदा था लास्ट टाइम, जो तुमने लास्ट टाइम किया था। तो वहाँ पे डीड लगाना ज़्यादा बेहतर रहेगा। चलो और आगे बोलो, है ना। तो आप जब मुझे द लगाने की यूज़ कर, मतलब अगर आप द लगाते हो तो या तो आपके सुनने वाले को, आपके ये सेंटेंस सुनने वालों को द के बाजू में लिखा हुआ वर्ड जो है उसके बारे में पता होना चाहिए कि वो कौन सा है ना, बोथ द विंडोज़, लेकिन कौन सा विंडोज़ है ना, बोथ द विंडोज़ आर अलाइक, वो गलत है, बोथ द विंडोज़ आर अलाइक मतलब गलत हो गया। क्यों गलत हो गया, क्योंकि मैं तो उस विंडो के बारे में जानता ही नहीं हूँ। आप कौन से विंडो के बारे में बात कर रहे हो, क्योंकि इसके पहले या तो आप, या दो कंडीशन है, या तो इसके पहले वाले कोई सेंटेंस में आपने मेरे को उस विंडो के बारे में डिस्क्राइब किया होगा, तब मुझे पता चलेगा कि आप ये जो सेंटेंस बोल रहे हो उसमें जो विंडो की बात कर रहे हो वो उसके पहले जो बात हो चुकी है वही विंडो की बात हो रही है ना। लेकिन अगर आप डायरेक्टली पहली बार मेरे को बोल रहे हो बोथ द विंडोज आर अलाइक, तो मुझे पता नहीं चलेगा कि ये विंडो कौन सी है, तो आप द नहीं लगा सकते। फिर भी आपको द लगाना है तो कौन सी विंडो है मुझे इसी सेंटेंस में बताना पड़ेगा कि आपके घर की है कि आपके स्कूल की है। क्लियर हुआ आपको, अभी यहाँ पे ऑफ माय हाउस मतलब मेरे घर की विंडो, तो वहाँ पे पता चल रहा है। ठीक है, चलो आगे बोलो। ओके, तो ए सेंटेंस ने कह रही थी ऑल द बाइंग प्रोसेस, बद्दी ज खरीदवानी प्रोसेस प्रक्रिया घरनी जे होय छे, घरेथी होय छे, आर ऑलमोस्ट द सेम, ते मोटा भागे सरखी होय छे। क्लियर, देखो द चेयर्स ऑफ माय हाउस आर डिफर्स फ्रॉम दैट ऑफ रूपाज हाउस, डिफर्स फ्रॉम द चेयर्स ऑफ रूपाज हाउस, है ना, वेरी नाइस। Both the blackboards of my school are alike. Okay, next. ओके, तो रेणुका ने क्या बोला, मीनाज नोटबुक इज डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ रीनास,
अनलाइक अनलाइक रमेश महेश महेश कीप हिज नोटबुक कंप्लीट. कीप कीप मतलब रखना है ना. तो देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, फंक्शन नंबर 8 में चूज एनी वन ऑफ द ऑफ दिस, मतलब यहाँ पे तीन टॉपिक दिए हुए, तीन में से किसी एक को, सॉरी एनी वन ऑफ, हाँ तीन में से तीन टॉपिक दिए उसमें से कोई भी एक को लेना है. एंड राइट अ डिस्क्रिप्शन, उसको डिस्क्राइब करना है, मतलब उसका वर्णन करना है. किस तरह से वर्णन करना है, बेस्ड ऑन द पॉइंट्स, पॉइंट्स दिए हुए हैं उसका उपयोग करके. गिवन इन विच, गिवन इन विच वन थिंग्स और पर्सन इज कंपेयर्ड टू वन अनदर, और उसमें आपको कंपेयर करना है ना. तो पहला टॉपिक में क्या दिया है, द स्कूल एट प्रेजेंट एंड द स्कूल यू अटेंडेड लास्ट ईयर. स्कूल जो है उसका दो टाइम है, अभी का स्कूल का टाइम और लास्ट ईयर का स्कूल का टाइम. अभी स्कूल क्या है और लास्ट ईयर स्कूल कैसी थी, उन दोनों को कंपेयर करना है. तो स्कूल के बारे में क्या क्या कंपेयर करना है, खाली स्कूल के बारे में तो कंपेयर नहीं करना. स्कूल तो सिंपल सा हम बोल सकते हैं कि बोथ द स्कूल आर सेम है ना. स्कूल एट दिस टाइम एंड द स्कूल एट लास्ट ईयर आर सेम, बट देर आर सम माइनर डिफरेंस है ना. विच आर द डिफरेंसेस, द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज, द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल इज टू, सॉरी द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल एट दिस टाइम इज डिफरेंट फ्रॉम द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल लास्ट ईयर, दैट ऑफ द लास्ट ईयर, बिकॉज द बिल्डिंग ऑफ द स्कूल एट दिस टाइम इज बिगर देन लास्ट ईयर. नंबर ऑफ द स्टूडेंट्स एट दिस टाइम इज ऑल्सो डिफरेंस फ्रॉम द लास्ट ईयर है ना. बट द साइज ऑफ द प्ले ग्राउंड इज, द साइज ऑफ द प्ले ग्राउंड एट दिस टाइम इज ऑलमोस्ट द सेम एज द लास्ट टाइम है ना. डिस्टेंस फ्रॉम योर होम, तो आपकी स्कूल का जो घर से और डिस्टेंस है वो तो सेम ही है ना, वो तो बदला नहीं है ना. जिसने स्कूल बदली होगी उसका, या फिर घर बदला होगा तो उसका बदल जाएगा डिस्टेंस, तो वो सेम रहेगा. तो आपको क्या चेंजेस हुआ है और क्या चेंजेस नहीं हुआ है उसके बारे में आपको स्कूल और मतलब स्कूल के दो टाइम के बारे में लिखना है. तो आपको इस पॉइंट का उपयोग करना है, इस फंक्शंस के उपयोग कर सकते हो है ना. इसी तरह दूसरा भी दिया है, देखो फाइंड आउट सिमिलर एंड डिफरेंसेस बिटवीन द अपीयरेंस ऑफ यू एंड समवन इन योर क्लास विथ रिस्पेक्ट टू द फॉलोइंग फीचर्स. देखो आपका यहाँ पे कोई भी पर्सन का डिस्क्रिप्शन करने के लिए ये सब वर्ड्स काम आते हैं. किसी की भी हाइट है, स्ट्रेंथ है, स्ट्रेंथ मतलब ताकत, वेट मतलब वजन, कॉम्प्लेक्शन मतलब आपका जो दिखावा, मतलब आप गोरे हो मतलब फेयर हो या डार्क हो है ना, या विटिस्ट हो मतलब गौवर्णा है ना. पंक्चुअलिटी मतलब आप कितना नियमित हो. कलर और साइज ऑफ आइस, आपकी साइज बड़ी है छोटी है, किसी और की साइज, आपके मित्र की साइज बड़ी है छोटी है, उसका कलर कैसा है, ब्राउन है ब्लैक है ना. केयरफुलनेस, कौन ज़्यादा केयरफुल है, आप ज़्यादा केयरफुल हो कि आपका दोस्त ज़्यादा केयरफुल है ना. केयरफुलनेस है या केयरलेसनेस है वो भी आप लिख सकते हो कंपेयर करके. कलर, टाइप ऑफ हेयर लिख सकते हो, बाल कैसे, घुंघराले हैं मतलब कर्ली है ना, या स्ट्रेट है मतलब सीधे हैं, छोटे हैं या बड़े हैं, उसके कलर कैसे है, ब्राउन है, ब्लैक है, वाइट है मेरी तरह
ओके उसके बाद फ्रेंड लाइनेस, फ्रेंड लाइनेस मतलब मतलब मित्रता कैसी है, उसकी दोस्ती पना कैसा है, तुम्हारा दोस्ती पना कैसा है, डिटर्मिनेशन, डिटर्मिनेशन कैसा है मतलब जो चीज़ को ठान लिया उसको करना ही है, वो डिटर्मिनेशन आपका कैसा है और उसका कैसा है, तो उसको कंपेयर करना है आपको। और कंपेयर करोगे तो आपके कितने सारे सेंटेंस बन जाएंगे, और इतने सारे सेंटेंस बन जाएंगे तो आपको कितने सारा मतलब इंग्लिश में लिखना आ जाएगा कि नहीं। इसी तरह राइट अ शॉर्ट पैराग्राफ पॉइंटिंग आउट द सिमिलरिटीज बिटवीन आप अ मैन एंड अ ट्री, व्यक्ति मनुष्य और वनस्पति मतलब वृक्ष उसके बारे में कंपेयर करो। एन अर्थ मूवर एंड एन एलिफेंट, अर्थ मूवर मतलब, अर्थ मूवर क्या होता है जमीन के ऊपर है, मशीन होता है, मुझे ध्यान में नहीं अर्थ मूवर क्या होता है, और उसके साथ एलिफेंट मतलब हाथी उसको कंपेयर करना है ना। अब मोबाइल फोन एंड टीवी उसके बारे में कंपेयर करना है, तो ये सब होमवर्क में आपको देता हूँ, होमवर्क में मतलब ये सब काम आपको होमवर्क में देता हूँ, पहला दूसरा तीसरा जितने भी सेंटेंस बना सकते हो बनाओ, एक एक पेज भर दो अगर भरना चाहते हो तो, है ना। सभी के बारे में, पहले के बारे में एक पेज भर दो, दूसरे के बारे में और तीसरे के अंदर तीन है तो तीनों के बारे में एक एक पेज भर दो। जितना ज़्यादा आप लिखोगे, खुद से लिखोगे, उतना ज़्यादा आपको इंग्लिश का प्रैक्टिस ज़्यादा होगा, ठीक है। तो ये सब मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूँ, आपको करना है और मुझे व्हाट्सअप करना है आज शाम तक, और आपको इंग्लिश का बाकी सब भी पढ़ाई करना है, कल आपकी एग्ज़ाम है, ठीक है।